स्वागत और है अब पेंटामाइम तुमको। के बारे में बताइए थोड़ा, हाँ, पेंटामाइम के बारे में। इंडियन माइम, कौन सी माइम? पेंटामाइम, पेंटोमाइम। ओ पेंटो माइम। देखो माइम और पेंटोमाइम जो है एक ही है, कोई डिक्शनरी में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, ये दोनों बराबर है। एक आदमी का दो नाम है, एक है आप प्राण कृष्ण, ऐसा एक नाम है आदमी का, कोई प्राण भी बुलाता है, कोई प्राण कृष्ण भी बुलाता है उसको, आदमी एक ही है। तो आप कोई डिक्शनरी में उसका कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगा, दोनों डेफिनेशन बराबर है। तो असल में कुछ लोग समझाते हैं कि हाँ ये जो पेंट कर लिया जाता है ना, जिसको छुपा दे हाँ सफेद पेंट, दैट इज हाँ पेंटोमाइम। हाँ और एक और मैं जो कमलम नानी नारायण पनिक्कर जी का, कमलम नारायण पनिक्कर जी का बड़ा भाई जो था वो इंग्लिश का प्रोफेसर था केरला में, तो बोला आप पैंट पहन के करते हैं इसलिए पेंटोमाइम, और हम मुंडा पहन के करेंगे तो मुंडा माइम होगा क्या? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। ये हमारा इंडियन लोग बहुत सोचते हैं लेके, लेकिन इसमें कोई डिक्शनरी में कोई फर्क नहीं है, कोई भी आप डिक्शनरी देख लीजिए। लाइट का कितना दखल है इसमें, माइम में? लाइट किसमें? डिजाइन का, लाइट डिजाइन का माइम में हाँ, कितना इम्पोर्टेंस है? आप जैसे उसको यूज करने चाहेंगे उतना ही होगा। लाइट माइक जो माइक है, पास लाओ, माइक अपने पास लाओ। हाँ, ये जो लाइट जो है, लाइट सेट कॉस्ट्यूम म्यूजिक, ये पूरा का महत्ता तब होगा जब आपकी आप क्या कर रहे हैं माइम उसके साथ संबंधित होना चाहिए, उसको और ज्यादा एम्पावर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं तो आजकल लाइट डिजाइनर होता है एक्टर के ऊपर लाइट छोड़ के इधर उधर बहुत सारे जगह में लाइट लगा देते हैं, लाइट डिजाइन कर देते हैं। हम बोले लाइट डिजाइन का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करके सीधा सीधा रोशनी डालो, एक्टर को कम से कम तो दिखाई देना दो क्या कर रहे हैं एक्टर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसा हमने आपको बताता हूँ मैं, आपको यूट्यूब में भी देख पाएंगे, एक बेलून आइटम है मेरा, बहुत जब मैं छोटा था किया था बेलून, उसमें आप जब बेलून वो फ्लाई करता है, वो बच्चों को लेके ऊपर चले जाते हैं, तो हम जब वो बैठ जाते हैं, बेलून फंस जाते हैं धागा के साथ, वो धीरे धीरे जो धागा ऊपर आते हैं, तो हम धीरे धीरे लाइट को, पूरा लाइट को छोटा करके ले आते थे। और हमारा जो लाइट डिजाइन किया था तापस सेन जी का बेटा किया था जॉय ने, तो मैं जॉय को बोला था तुम हमारा ये जो कोमर के नीचे का पोर्शन जो है वहां तुम लाइट ऑफ कर दो, डार्क कर दो, ऊपर में लाइट रखो, तो हम जब वो बाउंस करेंगे, बॉडी को ऊपर नीच करेंगे और वो जो मैं उड़ते उड़ते चले जाएंगे मुझे, तो वो फ्लाई कर जो फ्लोटिंग जो मूवमेंट है वो देखने में और सुंदर लगेगा। तो ये एक्टर के ऊपर है, आप कैसे डायरेक्टर के ऊपर है कैसे आप लाइट दादा, को अपने पुराने वीडियो आप उस पे क्यों नहीं डालते यूट्यूब पे? बाकी एक्टर जो आज का नया बच्चा है वो कैसे देखेगा आपके यूट्यूब पर? आपके जो अपने खुद किए हुए माइम है वो हाँ डालो ना। को मैं डालेंगे अरे अभी तो मैं हम ना खुद, डालेंगे मैं अपने हाँ एक्टर्स को क्या दिखाऊंगा? हाँ अभी डालेंगे। और बहुत सारे VHS में जो उठाया था वो तो खराब हो गया, फंगस हो गया, तो उसको भी थोड़ा ठीक करना है, पैसा मिलेगा तो हम करेंगे ठीक करके एकदम पूरा। मेरा वर्कशॉप का बहुत वीडियोस है प्लेस का, तो वो एक तो पैसा एक चीज है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए एक आदमी भी जरूरत है जो इंटरेस्ट लेके वो काम करेगा, नहीं तो सारे काम सोलो माइम पैसा। तो दे दो, हाँ सोलो सोलो माइम तो दे दो। हाँ भेजिए भेजेंगे 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 देखिए। अभी दो दिया हुआ है, एक डेंटिस्ट का दिया हुआ है, किसी ने स्टूडेंट ने दे अच्छा दिया, और अच्छा एक बेलून का दिया हुआ है, एक नाटक भी दिया हुआ है, नॉस्टो का अच्छा नाम है, नॉस्टो
एक नाटक भी है, प्ले है, बड़ा प्ले है, 1 घंटे का, तो वो भी है। और शायद तो अभी अभी हमें ना ये लगता है जो राज भाई इतना गंदा इंडियन माइम के नाम पे यूट्यूब में है ना, आप देखोगे तो आपको खुद को शर्म होगा कि ये लोग बाहर का लोग दिख रहे हैं ये सारे, इतना गंदा रिकॉर्डिंग, गंदा परफॉर्मेंस, गंदा सब कुछ। क्या क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम बोला था कि भाई जरूरत नहीं है, फिर हमारा भी वो लाए उसकी साथ ही जोड़ देगा हमारा परफॉर्मेंस भी। तो ये सब अभी अलग से कुछ सोच रहे थे कि अलग से कैसे हम हाँ संस्था के नाम से अलग से पूरा बना सकते हैं, हाँ, फिर उसको अपलोड करें, वैसे क्या करने पड़ेगा, एक जगह पे रखने पड़ेगा जहाँ से हमारा ही आएगा इंडियन माइम थिएटर, ऐसा सोच रहे थे। और सब लोग चले गए क्या? नहीं सभी है सर। अच्छा ये अच्छा एक बात बताओ, बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसमें साउंड इफेक्ट और जो म्यूजिक है आप इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदुस्तानी या यूरोपियन या कोई दोनों मिला के करते हैं? हाँ, या जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से? हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक। युवराज भाई मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें जी, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने लैटिन अमेरिका में गए थे कोलंबिया में जी, परफॉर्मेंस हो गया, मैं बाहर जाए मैं ग्रीन रूम में चले गए और मेकअप उठाने का तैयारी कर रहे थे, तो फिर आए बोले चलिए चलिए, हमने कहाँ जाना है, बोले स्टेज पे चलिए, हमने क्यों, बोले सारे ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं। तो हम गए, मैं देखे आश्चर्य हो गया, सारे हाउसफुल था, सारे ऑडियंस एकदम चुपचाप बैठे हैं। फिर हमने फिर क्वेश्चन पूछा, अभी इंटरप्रेटर बोला कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जाना। वहाँ उस वहाँ हमारा परफॉर्मेंस का जो थीम था ओर से लेके मेरा जो कॉस्ट्यूम था, मेरा जो म्यूजिक था, ये सब पूछा, हम जो लाइट जैसा बोले थे सब लाइट की वजह सब पूछा क्वेश्चन एक एक करके। इसके बाद हमारा इंडिया का कल्चर हाँ, आपका हुआ तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, इतना पॉलिटिकल पार्टी तो और कहाँ पर नहीं है, देश में नहीं है, तो ऐसा बहुत सारे, आपका शादी जब होता है कैसे शादी होते हैं, ये ऐसे लेकर आपको जो खाना खाते हैं, भाई आश्चर्य हो गया, पहले बार ऐसा क्वेश्चन भाई, परफॉर्मेंस 1 घंटा का था, वो क्वेश्चन फिर और 1 घंटा, तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत मुझे अच्छा लगा था। रिलीजियन के बारे में भी पूछा, आपके वहाँ तो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस है, तो आप कौन से रिलीजियन में विश्वास करते हैं, तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पहले बार मुझे ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ। तो आप सोच समझ के आपको करना है, नहीं वही जब म्यूजिक करते हैं भाई तो इंडियननेस उसमें रहना चाहिए, आपका कॉस्ट्यूम में, आपका म्यूजिक में, सब कुछ में। जब आप फॉरेन में जाएंगे, इंडिया में जाते तो अभी तो यूट्यूब से म्यूजिक ले लेते हैं, यूट्यूब से म्यूजिक ले लेते हैं, इधर उधर से ले लेते हैं, लेके वो बना देते हैं, खर्चा भी कम हो जाता है, स्टूडियो में जाने का जरूरत भी नहीं होते हैं, आजकल बच्चे लोग सब कर लेते हैं अकेले। तो अभी म्यूजिशियन का भी पैसा खा रहे हैं यूट्यूब, ठीक है ना, मोबाइल आने के बाद रेडियो गए, फोन टेलीफोन गए, कैमरा गए सब खा लिया है एक मोबाइल, तो ऐसा सब हो रहा है। तो अभी खर्चा भी उसलिए कम हो गया कि आपको स्टूडियो हायर नहीं करना पड़ता है, कलाकार को हायर नहीं करना पड़ता है, आप इंडियन चाहे तो इंडियन म्यूजिक भी मिल जाते हैं आपको, इस तरह से सब लोग करते हैं। किसी का और कोई सवाल? काट गया तो बहुत लोग कम हो गया लगता है मुझे, और कोई कुछ पूछना चाहते तो नमस्ते
सर मेरा एक सवाल है। बोलिए कौन? अनुष्का। जी सर, मेरा नाम अनुष्का अवस्थी है। सर मैं भी सर ड्रामेटिक आर्ट की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि सर जैसे जो आपकी संस्थान है, मतलब सर आप मतलब कहाँ सिखाते हैं, या फिर अगर हम जैसे बच्चों को सीखना है तो हम आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं सर, थोड़ा क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी आप फेसबुक देखते हैं? जी सर। हाँ, फेसबुक में हमारा इंडियन माइम थिएटर का पेज है, निरंजन गोस्वामी जी का भी पेज है, नेशनल माइम इंस्टीट्यूट का भी एक पेज है। आप वहाँ जाके सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। वहाँ हमें पोस्टर देते हैं कि कैसे भर्ती होना है। हमारा इंस्टीट्यूट तो कलकत्ता में है। हम एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देते हैं और 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो इसके लिए तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स का फीस है 25,000 रुपया, पूरा रहना खाना पढ़ना सारे खर्चा उसमें आ जाता है, और 75,000 आपको एक साल के लिए देने पड़ेगा, इसमें सब रहना खाना सब है। जी सर। तो सर जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, अगर हम ग्रेजुएट नहीं है मतलब, तो हम कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं? कभी नहीं, आपको अप्लाई करने पड़ेगा। हम पोस्टर देके उसका फी, इस बार जैसा कोरोना की वजह से हम दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना करेंगे, नहीं तो हम जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना करते हैं। तो सर इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, मतलब बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं कि? बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, कला में रुचि रखना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है। जी थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हम देखे हैं बहुत सारे, हमारा वो फॉर्म में भी हमने लिख दिया कि ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो एक रखने पड़ता है। लेकिन हम कोई एक भी नाटक नहीं किया तो अच्छा है। कुछ गलत सीख के आता है तो वो गलती को हमने ठीक करने के लिए टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है कि फ्रेश बच्चे आए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसको अच्छा तरीके से सिखा सकते हैं एकदम बेसिक से। तो वो एक सुविधा है नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में भर्ती होने से। युवराज भाई, आप तो अभी भी बहुत बच्चों को सिखाते हैं, बहुत अच्छा क्लास लेते हैं, मैं देखते हैं छोटे छोटे वीडियोस देते हैं। क्या ये सब प्रेरणा आप लोगों से ही मिली है, बड़ों से ही? मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और इंडियन माइम के लिए मेरे दिमाग में, चूंकि माइम बॉडी लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इंडियन माइम में अगर कोई, मैं तो जिस कहता हूँ, अगर माइम और निरंजन गोस्वामी, या तो माइम कह लो या निरंजन गोस्वामी कह लो, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, बिकॉज यू हैव अर्नड योर नेम। आपने बहुत मेहनत किया है, लोग शुरू किए छोड़ दिए, शुरू किए छोड़ दिए। अब ये जो लड़का है बॉम्बे में फिल्म एक्टर पेंटल, he was a good mime, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम होगा वो पेंटल, he became comedian, क्योंकि mime को कमर्शियल उसमें एस्पेक्ट में इसको घुसा ही नहीं पाया, वो लगा ही नहीं पाया, किसी को समझ नहीं, सबको पैसा चाहिए। तो mime तो बिल्कुल aesthetically ही different है, तो उसके लिए तो इट इज लाइक टेलिंग यू नो और रिसाइटिंग ए पोएम, वैसे ही माइम। बहुत मेहनत करने पड़ता है। और जी दादा, जी दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। लग के रहने में कष्ट भी है, आनंद भी है। आपको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, आनंद भी मिलता है बहुत। जी बहुत आनंद। मुझे तो याद है कि आप मतलब जब आप लोगों का जिक्र सुना और इरशाद पंचतंत्र जी का और जोगेश दा का, तो मैं हम लोग जब एनएसडी से हम विदेश गए थे वो कल्चरल एक्सचेंज में प्लेस लेके, तो बाय डिफॉल्ट एक रात हमको, चूंकि फॉग बहुत था तो फ्लाइट पेरिस में ही रुकी, तो हम लोग रात को ही निकल गए शहर में, और सबने यूडी क्लोन और ये खरीदा और वो खरीदा। मैंने मार्शल मस्यो की किताब खरीदी
अच्छा और जब वो हिंदुस्तान आए, जबकि आप बात कह रहे थे ना अभी, जब परसों से आए थे, तो वो किताब लेके मैं उनके पास गया था और उस किताब पे उन्हीं के फोटोग्राफ पे मैंने उनके ऑटोग्राफ दिए। और मेरे लिए तो मतलब ये इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि मैं आपको भी जानता हूँ और मैं मार्शल मर्सियो को भी जानता हूँ। मेरे लिए तो वो ये बड़ी खुशी की बात है सच में। अच्छा, आप लोग भी जब पढ़ते थे तो आपको भी, हम जब जाते थे दिल्ली, आप और सुरेश शेट्टी दोनों का नाम बहुत आता था। सुरेश, मेरा दादा सुरेश शेट्टी मेरा स्टूडेंट रहा है। हाँ, में उसको भी मैं क्लासेस किया है। अच्छा, हाँ। बहुत इज्जत करता है लेकिन वो मुझसे बहुत आगे निकल गया, वो वाकई अच्छा है। हाँ। मैं तो एक्टिंग में चला गया पर वो बॉडी लैंग्वेज में उसने बहुत काम किया है, वो मुझसे बेटर है। मैं अच्छा है, ये होना चाहिए, गुरु से आगे जाने चिल्ला। इसने अपनी मेहनत से किया दादा, एंड इज वेरी इंटेलिजेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छा, क्या दादा आशीर्वाद देते रहिएगा, जब दिल्ली आए, गुड़गांव आए तो हमको जरूर खबर कीजिएगा, मैं रूबरू आपको टच करके देखना चाहता हूँ। और आपके साथ फोटो खिंचा के फेसबुक पे डालूंगा तो मशहूर मैं हो जाऊंगा, आप तो ऑलरेडी मशहूर हो। और क्या, मैं आता हूँ ना गीतांजलि के प्रोग्राम में तो मैं इसकी वजह से मशहूर होता जा रहा हूँ। गीतांजलि मेरा एक पुराना दोस्त मुझे फोन किया था पद्मश्री मिलने की बात, बोले पद्मश्री मिला हुआ किसी को हमने देखा नहीं आज तक, तू एक बार मेरा घर आ जा। नहीं, आप सच में बहुत ग्रेट और बहुत सरल हैं। मैंने आपको अप्रोच करी थी तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जिस सहजता से आपने वीडियो कॉल किया और मुझसे बात करी तो उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद, ऐसा नहीं है। दादा बहुत अच्छे इंसान है, मेरी तरह सारे मुश्किल नहीं है, ये बहुत अच्छे आदमी। मैं ऐसा मेरा कोई मैं मुखौटा यूज नहीं करता हूँ। जब माइम करता हूँ तो पेंट करता हूँ। जब माइम करता हूँ तो मेकअप करता हूँ तो कभी नहीं, तो हमने मेरा कोई मुखौटा नहीं है ऐसा ही। बहुत बड़ी बात है कोई मुखौटा नहीं होना। मैं कल रात में ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता पढ़ रही थी, उसमें भी वही मुखौटे वाली बात थी, तो अच्छा। जैसे आपने कहा मुझे एकदम ध्यान आया कि आखिर तुम कब तक मुखौटा लगा के रखोगे, क्या लास्ट को भी मुखौटा चढ़ाओगे, ऐसे कुछ था। तो वो कहानी सच में आज के समय की है कि हम कितने मुखौटे बनाकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किसके सामने कुछ, किसके सामने कुछ। दीदी मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था मुखौटों पे, देख लीजिए। सर हाँ, कोशिश करूंगी लेकिन आप टाइम नहीं है ये। मेरा भाई एक मुखौटा के मुखोशे राजा नाम्स के एक पोएट्री था बिमल चंद्र घोष जी का, बड़ा मुखौटा छोटा मुखौटा उस छोटा मुखौटा कैसे मुखौटा सारे सोसाइटी को कैसे उसको दबा के रखते हैं, रूल करते हैं, उसके ऊपर वो कहानी था जो मैंने वो मैजिक मैजिक लाइट से किया था। हाँ, मार्शल मर्सियो का भी तो एक आइटम था ना जिसमें वो मुखौटे में फंस जाता है उसको। हाँ, मार्शल मर्सियो का उसका आइटम। हाँ, मार्शल मर्सियो का मुखौटा लगाता है और वो उतरता नहीं है मुखौटा उससे, बहुत फेमस आइटम। मार्क्स मेकर नाम है। हाँ जी जी जी, दैट इज वेरी फेमस आइटम। तो ये जो अभी आपसे बातचीत हो रही है वो सच में बहुत अलग और बहुत आनंददायक है, तो हम आपको सच में हम भी दादा हम भी टच करके देखना चाहते हैं, तो आपको एक एक बारी बारी से सब दूर जाना होगा, ग्वालियर, दिल्ली, जबलपुर, खंडवा। जी, 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 जी। हम भी देखें ना हाथ लगाकर कि पद्मश्री लगने के बाद क्या चेंज आता है, क्या चेंज आ जाता है। दादा के साथ 3 दिन रहे हैं, मगर उस जमाने में फोटो सेल्फी का जमाना नहीं था, खींच नहीं पाए। नहीं तो फोटोग्राफर तो था आपको, आप इतना बिजी थे।
है, आप इतना भेज दीजिए, आप मेरे पास नहीं, मेरे मुझे भेज दीजिए। हाँ क्या बात है, आपको पता है, आपको पता है दादा भी, वेरी गुड, क्या बात है, दादा भी किताब लेके बैठे हैं। नहीं हमने कोई कोठी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम किताब लेके बैठे हैं, शिख जवाब देंगे किताब देख के। आप खुद ही एक किताब हो दादा। अनुभव, अनुभव अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी होती है जो ज्ञान के इक्वल खड़ी होती है। तो हम वो, यदि आप इतने सालों से तपस्या और इतने साधना लीन है, तो आपका एक एक वाक्य, आपका एक एक अनुभव किसी किताब के अक्षरों से कम नहीं। क्या बात है। तो उसके लिए हम आपको नहीं, किसी साधना में लगना इतना ये नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं 3 बजे के पहले जिस तरह से भाग भूख के सारे काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि किसी चीज को शिद्दत से जीना कितना मुश्किल होता है। कोई एक सवाल करने वाला है, हाँ पूछिए पूछिए महर्षि। जी सर नमस्कार, निरंजन सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है सर, मेरे फादर सर राइटर है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है नाटक के ऊपर, 1-2 का 4 सर, कॉमेडी नाटक है सर, उसमें 3 है सर, मैं उसको कैसे पब्लिश करके कैसे लोगों तक पहुंचा सकता हूँ सर? अच्छा, वो माइम में हो सकता है, मुख अभिनय में, वर्ड्स में, आप जो बोले हैं कि आपका पिताजी राइटर है। जी सर। हेलो, हाँ एक लिखे है ना, किताब लिखे हैं। जी सर, 1-2 का 4 हास्य नाटक की किताब लिखी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि जैसे और किताबों पे लोग काम करते हैं, नाटक मंचित होते हैं, वैसे ही उस पर मंचित हो, तो सर कैसे मैं उसको लोगों तक पहुँचा सकता हूँ? अब ये सब ये लोग बैठे हैं, अब गीतांजलि जी से बात करिए। हाँ, वो जो लोग नाटक लिखते हैं ना, ग्रुप थिएटर जो है, उनकी साथ संपर्क करिए, वो लोग आपको किताब पढ़ के, कहानी पढ़ के पसंद आएगा तो उसको को प्ले की नाटक के रूप दे के वो परफॉर्मेंस करेंगे। सर मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई सर अपने लखनऊ में, कि सर मैंने बहुत से अपने जो लखनऊ में थिएटर वाले हैं उनसे बात की ये नाटक मंचित करने के लिए, पर उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ रेनाउंड नाटक, जो रेनाउंड है उनको ही मंचित करेंगे सर, कोई नया नाटक लखनऊ में लेना ही नहीं चाहता है, कोई हाथ ही नहीं डालना चाहता सर नए नाटक में। आप लखनऊ से बाहर उसका कॉन्टेक्ट करिए ना, आप लखनऊ से बाहर जो लोग है, जो छोटे ग्रुप से, जो छोटी जगह काम करते, उनसे बात करिए, उनको ये कहानी। और एक है ललित पोखरियाल जी, आए थे अभी ललित पोखरियाल, वो लखनऊ में रहते हैं, अभी आप उनसे संपर्क करिए ना, बोले निरंजन जी आपका नाम बोला, तो आप देखिए ना ये एक, एक कहानी से कोई नाटक बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है ना, समझ गया महर्षि जी? आप जी सर, ललित पोखरियाल साहब है ऐसा देखिए। और एक बार आप सुशील कुमार सिंह जी से, वो प्ले राइट है, सुशील कुमार सिंह जी को जाके भी वो किताब पढ़ाइए, दीजिए, बोले सर पढ़ के देखिए ना यहाँ से कोई नाटक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके सर, ठीक है, तो आप ये दोनों का नाम बोला है, आप ये दोनों से संपर्क करिए, ऐसा और है नाम बाद में बता देंगे आप, ये दोनों से आपको मदद हो जाएगा, आप मेरा नाम बोलना कि निरंजन जी बोले हैं आपसे। ओके सर, ओके ओके भाई, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। निराश मत होइए, हताश होइए, हताश होइए, अब निराश मत होइए, निराश होने का मतलब होता है कि और कभी नहीं होगा, हतेश होने मतलब दोबारा नया आशा आएगा, एक हफ्ते आशा मर गया। सर मैंने लखनऊ में, सर मैंने लखनऊ में बहुत से नाटक सर मंचित किए हैं सर, जैसे सर आर के नाथ जी के भी लिखे हुए सर, जो मेरे फादर हैं, पर सर लोग ये लखनऊ में पता नहीं एक ऐसा वो क्या चल रहा है कि
कि लोग कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ रिनाउंड नाटक ही मंचित करूंगा। वो तो वो जो लोग रिनाउंड नाटक मंचित करते हैं, इसके अलावा भी एक छोटा छोटा ग्रुप है जो नाटक दूसरा नाटक भी मंचित करता है, तो आप उनसे संपर्क करिए, ठीक है ना? जी सर। सर सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही था सर कि अगर 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 ये जो भी ये संस्थाएं हैं अगर नए लेखकों को मौका नहीं देंगी तो सर वो भी रिनाउंड कैसे बनेंगे? अभी देखिए रिनाउंड बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना? एक दो दिन में नहीं होता है, ठीक है ना? टाइम लगता है। अब काम करते 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 तब वो रिनाउंड होता है, ठीक है ना? आपको एक नाटक आपको एक नाटक पिताजी का कहानी का एक नाटक मंचित कराइए, धीरे धीरे लोगों को पसंद आएगा तो लोग आपको जाने का जरूरत नहीं होगा, लोग आपके पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? शुरू में पहले आपको जाने पड़ेगा, आप जाने अभी पहले शुरू में आपको जाने पड़ेगा, इसके बाद लोग आपके पास आएंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बेटा। और बोलो, और कौन आ गया? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरे एक और सवाल है। बोलो। सर मैं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ सर, अभी मैं इसी में अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ सर, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है सर, थिएटर्स लिया है, ड्रामेटिक आर्ट लिया है, तो सर मैं पूछना चाहती थी कि सर जैसे हम इसमें आगे कैसे बढ़े, मतलब क्या और चीजें करें जिससे मेरी स्किल्स थोड़ी और डेवलप हो सके, क्योंकि सर आप सभी हैं तो आप सब सही गाइड कर सकते हैं सर, लोग मिलते नहीं। आप आपका उम्र तो 18 साल नहीं हुआ? नहीं सर, मैं 19 साल की हूँ। 19 साल की, अभी एक्टिंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना? जी सर। 18 साल के बाद ही समझ में आता है एक्टिंग। आप ड्रामेटिक आर्ट लेके पढ़ रहे हैं कहाँ पर? जी बनस्थली विद्यापीठ है सर, जयपुर से 2 घंटे की दूरी पे, ऑल वेमेन यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो सुना सर, सुना है? हाँ, उसमें हमारे सर है जफर खान जी, वो भी हाँ, मतलब जयपुर के थिएटर आर्ट, तो सर वही सिखाते हैं, बट सर क्योंकि मतलब उतना क्योंकि इसको एज अ थर्ड सब्जेक्ट देते हैं, मतलब बीए में आप अगर लें तो इसको बीए की डिग्री में जैसे 3 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, तो उतना सर की मतलब उतना एक्सपोजर नहीं है या फिर उतना नहीं हो पाता है मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए। और सर मेरा बचपन से मतलब सर मुझे बचपन से काफी शौक है और मतलब यही करना है कि मतलब एक्टिंग और मतलब इन सब चीजों को सीखने का काफी, तो सर NSD भी काफी बार गई मैं, मतलब देखना चाहती थी अंदर से तो मौका नहीं मिला, पर सर बहुत मतलब इच्छा है कि आगे कुछ अच्छा कर पाए या सीख पाए, तो सर चीजें कैसे होंगी खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं बट सर कई बार समझ नहीं आता। आपका अंदर जो इच्छा है उसको जारी रखिए, ठीक है? और एक किताब का नाम मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा नोट कर लो, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, वो पढ़ो, ठीक है? वो एक सामान्य अभिनय का एक चैप्टर है जहाँ लड़की लोगों का हाव भाव हैला ये 3 नाम से 20 किस्म का अलग से एक्सप्रेशन जो है, भाव जो है, ये सब लिखा हुआ है सामान्य अभिनय चैप्टर में, वो अच्छा से पढ़ो, भाव रस का पढ़ो, आंखों का एक्सरसाइज करो। फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं? नहीं सर, करते हैं थोड़ी बहुत घर पे फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज ठीक से करो, बॉडी योगा करो, पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रख करके रखना है। जी सर, ठीक है। आप पेंटिंग की... का किताब पढ़ो, पेंटिंग का किताब भी पढ़ो, षडंग करके एक किताब है, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, 6 लिम्स ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट, ठीक है ना? षडंग नाम का वो अवनींद्रनाथ टैगोर का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो भी पढ़ सकते हो, नहीं तो हिंदी में देख लेना, ठीक है ना? ऐसा बहुत सारे किताब आपको मिलेगा, जैसा मूर्ति कला के ऊपर, स्कल्पचर के ऊपर, ये सब, और बहुत सारे पेंटिंग देखते रहो, बहुत कुछ पढ़ते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, धीरे 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 धीरे
तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में ड्रामेटिक्स ले सकते हैं? हाँ सर, सर है नहीं, सर होता है बट मतलब मेरे कॉलेज में नहीं है। ठीक है, चले ग्वालियर में आ जाओ, मैडम जी है, गीतांजलि जी है। जी बिल्कुल सर, सर मैं तो चाहती हूँ एनएसडी की तैयारी करना, तो सर उसके लिए काफी सर अभी एक एनएसडी की तैयारी करने के लिए तो आपको बहुत सारे नाटक करने पड़ेगा अलग अलग डायरेक्टर के साथ, ठीक है ना। नहीं सर, कई बार को भी लेते हैं, जैसे आपने कहा था कि बहुत भरे हुए लोग हो उसके बजाय कोई अनगढ़ भी आते हैं तो उनको भी, ऐसे एनएसडी का भी है कि आप यदि बहुत इनोसेंट हैं तो वो चाहे आपको अनुभव कम हो लेकिन वो लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, इसका उनका सिलेक्शन हो जाता है उन बच्चों का भी जिनने 2-3-4 नाटक किए हो, क्योंकि जो टीम बैठती है वो बहुत एक्सपर्ट रहती है, उनको ऐसा लगता है कि ये अभिनय में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे देखे हैं कि जिनका ज्यादा अनुभव नहीं था, ज्यादा नाटक वगैरह नहीं किए थे उन लोगों ने, तो भी उनका हो गया। अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस अनुभव तो होना चाहिए। अच्छा आप लोग रिहर्सल कैसे करती हो? सर मैम हमारी रिहर्सल 1 घंटे या 2 घंटे होती है मात्र पूरे दिन में, जैसे स्कूल में पीरियड नहीं लगते हैं मतलब क्लास का टाइम होता है तो उसी तरह से, और कभी अगर कोई थिएटर शो जैसे मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई थिएटर शो छोटा मोटा मतलब रंग शिल्प जैसे नाम से अगर होने वाला हो तो फिर उसके लिए जैसे एनुअल फंक्शन के पहले तैयारी नहीं होती है कि मतलब स्कूलों में कि फिर डेली होता है तो उसी तरह से कराते हैं, बट वैसे अगर कहा जाए तो मतलब फुल टाइम नहीं या फिर उतना नहीं कराते, मतलब बस उतना ही कराएंगे। और वो तो सब ठीक है लेकिन लेकिन आप लोग सब लड़कियां लड़कियां हो तो लड़के का पात्र कौन करता है? जी लड़के का पार्ट भी लड़कियां ही करती हैं। तो कैसे फीलिंग आएगी बताइए, आपको किसी लड़के के साथ लव सीन करना है तो आप लड़की के साथ कंफर्टेबल है लेकिन बाहर निकलने के बाद आपको किसी लड़के के साथ करना है और वो आपकी हो सकता है कमर भी पकड़ रहा है, आपका कंधा पकड़ के बात कर रहा है, तब कैसे करोगे? उसके लिए तो अभी तो मतलब अभी इससे पहले कभी ऐसा करा नहीं क्योंकि मतलब ऑल वुमेन को थिएटर में सबसे पहले अपने बॉडी से अपनी जो देह के जो एक शाय जो है उससे बाहर आना होगा, जो एक स्त्री और जो पुरुष वाला जो भाव है तो वो पहली स्टेप वही आप, क्योंकि अभी आप 3 साल यदि वहां पर यही कर रही हो तो आप थिएटर नहीं, अभी वो थिएटर नहीं कह सकते। सबसे पहले हमें टच जो होता है, युवराज सर से आप मिलिएगा, इनकी वर्कशॉप ज्वाइन करिएगा। तो ये जो 3 साल कर रहे, मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि आप लड़कियां होकर लड़कों के पात्र भी आप ही कर रही है, ठीक है, तो बताइए इसमें इमोशंस कहाँ है आपके? हाँ वो फीलिंग्स कहाँ है, वो अभिनय की चीजें कहाँ है? आपको पति का रोल करना है तो पति का रोल भी लड़की ही कर रही है, तो वो ठीक है। आप यदि इसी में कुछ करना चाहती हो तो आपको को एजुकेशन में आना होगा, बाहर निकलना होगा। हाँ मैम मैं वर्कशॉप ढूंढती हूँ जैसे मतलब जो भी जितना पता चल पाता है, तो अभी तो मतलब अभी ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं ली है, अभी तो थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग की एक वर्कशॉप हुई थी मैम FTII की जयपुर में जो आई थी तो हम लोग को निकलने को मिला था, तो बस अभी वही वर्कशॉप की है। बाकी एंटीगनी जैसे प्ले भी तो उसमें अभी करा रहे थे सर, तो अभी इतना ही हुआ है मतलब स्पीच पे थोड़ा काम करा रहे हैं। ठीक है लेकिन आपको वो जो जो मैंने बताया था वो उस पे मैम मैं समझ रही हूँ। थैंक यू तो थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत लोग आए हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। मंगेश सर भी है लेकिन वो भी अपने आप को म्यूट करके बैठ जाते हैं। कोई मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मंगेश बंसोड़ मुंबई विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। यस यस यस, नहीं नहीं आपको बुलाना है हमको मुंबई विश्वविद्यालय में, लेकिन अभी ये सब खत्म हो जाएगा तो हम जरूर आपको बुलाएंगे एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में, हमारे डिपार्टमेंट में। ठीक है। यस सर।
थैंक यू सर। थैंक यू। योगेश सोमन भी वही थे ना बंसल जी? हाँ, तो अभी योगेश सुमन क्या हुआ कि पहले डायरेक्टर मैं था, फिर मुझे हटा के योगेश सुमन को लाया गया जी। ये तो राजनीति आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और आप आजकल तो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अच्छी तरह से जानते हैं क्या हुआ होगा, तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं अभी, समझ गया मैं। उसके बाद में योगेश सुमन को अभी बच्चों ने स्ट्राइक किया तो योगेश सुमन को फोर्स लीव पे भेजा गया है, वो 10 ही महीना यहाँ पे काम कर पाए, अभी फोर्स लीव पे है वो, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये सारी राजनीति हर डिपार्टमेंट में होते रहती है, थिएटर के अक्सर थिएटर के डिपार्टमेंट में सब कुछ होता है ये। सही बात। तो हाँ, तो इसका विक्टिम मैं भी हूँ, लेकिन इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पर्सनल बात करेंगे हम लोग, अपन बाद में बात करेंगे। यस सर, बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बात करना ही सारी चीजों का हल है। हाँ जी बोलिए सर। बोलिए, कोई है कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं प्रमोद बोरकर बात कर रहा हूँ। बोलो सर। मैं ये जानना चाहता था, आपने बीच में एक लाइन कहा था कि हम माइम में भी वाचिक अभिनय करते हैं, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। वाचिक अभिनय जो है वो वाचिक अभिनय हम बाहर नहीं निकालते हैं, एक नंबर। और जो उदाहरण मैंने दिया था कि जहाँ वाचिक अभिनय का जरूरत है वहाँ हम वाचिक अभिनय यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। आपका प्रोडक्शन के लिए आपका नाटक की जरूरत जो है उसके हिसाब से आप दो चीज होता है थिएटर में, एक है कंटेंट, एक होता है फॉर्म। तो आप कंटेंट के हिसाब से फॉर्म चुनते हैं, कभी कभी फॉर्म की पहले आ जाता है, बाद में हम कंटेंट चुनते हैं। तो ये जो फॉर्म के साथ जो कंटेंट सूट होता है वो हमने करते हैं, यूज करते हैं। दादा समय खत्म होने वाला है जूम का, तो हम आपको थैंक यू कहते हैं। आभार देखा हो भाई। अभी चौके सोया हुआ था, अभी जागा है सर। हाँ। जी थैंक यू वेरी मच। अब जमुना जी भी कोई आई है, जमुना जी दादा थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हाँ हाँ अच्छा। गीतांजलि जी आपका भी धन्यवाद, आपने हमें दादा से मिलवाया, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आगे भी रहिए।